Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की, और उसके लिए हमने ये समझा कि अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हमें ही होता है. कई एस्पेक्ट्स हैं खुद को जानने के. मैं कौन हूँ, सबसे पहले अपनी पहचान की बात ज़रूरी थी. उसके बाद मेरी बेसिक नेचर, मेरी जो ब्यूटी है वो क्या है. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी जिम्मेवारी किसके प्रति है. आगे हमने देखा कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स किस तरह से हमारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं और फिर हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं. आगे शायद अपने बारे में अभी काफ़ी कुछ और जानना बाकी है. क्या कुछ है वो जानना, उसके बारे में बात करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. ओम शांति. कई सारे एस्पेक्ट्स तो हम अब जान गए कि क्या किस तरह से ये जो चारों चीज़ें जो सही परिप्रेक्ष्य में जब हम नहीं देख रहे थे, खुद की पहचान को भी या फिर अपनी नेचर के बारे में, या फिर अगर हम कहें कि जिम्मेदारी किसकी है और बिलीफ सिस्टम्स को, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. सिस्टर शिवानी, इसके आगे बढ़ते हैं. इसके आगे जो हमारे को अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वो है सेल्फ कंट्रोल. कि बहुत बार मन में ये क्वेश्चन उठता कि क्या मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है. यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इट्स लाइक मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में अगर नहीं होगी, देन इट्स डायरेक्शनलेस, देन आई हैव लॉस्ट कंट्रोल एंड नाउ आई एम एट द मर्सी ऑफ द कार. यू नो, तो वो गाड़ी मुझे जहाँ ले जाए मैं जाऊँगा, और फिर वो जिसमें टक्कर मारे जहाँ जो हो, बिकॉज आई हैव लॉस्ट कंट्रोल. तो कभी न कभी हमें कहीं ना कहीं एक बार मन में ये संकल्प ज़रूर आता कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, मेरी जीवन मेरे कंट्रोल में नहीं चल रही है, और उसका कंट्रोल फिर हम बाहर दे देते. तो ये चेक करना होगा कि जब हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. बिकॉज मोस्टली जब मैं ये चेक करूँ कि क्या लाइफ मेरे कंट्रोल में है, तो मेरा पैरामीटर ये होता कि क्या परिस्थितियाँ और लोग मेरे कंट्रोल में हैं. आई नॉर्मली चेक इट लाइक दैट कि अगर मेरे साथ जो लोग हैं अगर वो मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं, एंड या सिचुएशंस बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वैसे मेरे कंट्रोल में चल रही है, तो लाइफ मेरे कंट्रोल में है. यस, व्हिच इज़ अगेन वी हैव सीन ओवर अ पास्ट सो मेनी वीक्स के देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल. वो है पीपल एंड पास्ट सिचुएशंस. मतलब पास्ट जो अभी क्षण बीता उसके बारे में आप कितना भी सोचें आप कुछ नहीं कर सकते. बीती हुई बात और लोग, पास्ट एंड पीपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. और हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल उस पर डिपेंडेंट कर दिया विच वी कैन नॉट कंट्रोल. सो ऑब्वियसली अगर मेरा इस कप पे कंट्रोल ही नहीं है एंड आई स्टार्ट फीलिंग कि आई एम इन कंट्रोल ओनली व्हेन आई एम गोइंग टू बी एबल टू कंट्रोल दिस कप, देन आई विल ऑलवेज कीप फीलिंग दैट आई एम नॉट इन कंट्रोल. क्योंकि लोग और परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं चलती, तो मेरे हमेशा ऐसे लगता कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ पता नहीं कैसे हे वाया जा रहा है. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ कंट्रोल देन व्हाट इज़ द कंट्रोल. क्योंकि मोस्टली वी ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल व्हिच वी कांट कंट्रोल. इवन जब हम किसी की हुई किसी बात से या किसी के कहे हुए किसी बोल से अपसेट हो जाते हैं, यू नो, अब भले हम समझ कर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम उनको ये नहीं कहते कि आपकी वजह से मैं अपसेट हूँ, बट मेरा अपसेट होना ही मीन्स आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल यू. बिकॉज मेरा अपसेट होना मीन्स कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, या आपकी कही हुई बात मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब यू शुडंट हैव डन व्हाट यू हैव डन, सो आई एम अपसेट. तो इवन माई गेटिंग अपसेट अंदर, अब किसी को पता नहीं चलेगा, शायद बाहर बोलेंगे नहीं, लेकिन माई गेटिंग अपसेट इज माई गिविंग अवे द कंट्रोल. द मिनट आई गेट अपसेट आई हैव लॉस्ट कंट्रोल बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड देन आई फील आई कांट कंट्रोल इट, सो आई गेट अपसेट. जब हम किसी से काम करवाने के लिए, पेरेंट्स बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा करते और ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता कि जब हम किसी से काम करवाने के लिए एंगर या थ्रेट, आपको ये करना ही होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिस विल हैपन अगेंस्ट यू. बच्चों को आपको ये पढ़ना ही होगा, आपको इतना फिनिश करना ही होगा, नहीं तो, तो इट्स अ थ्रेट मोड जो हम यूज़ करते. और बहुत अच्छा हमें लगता है कि जब हम किसी को इस तरह से थ्रेटन करते हैं तो वो तुरंत से हमारी बात मान के उस तरह से करना शुरू कर देते हैं. इट गिव्स मी अ फीलिंग दे आर इन माई कंट्रोल.
एक्चुअली दे आर नॉट. मैंने जो थ्रेट करना था या जो गुस्सा करना था या जो भी इंस्ट्रक्शन इम्पोज करनी थी मैंने वो की. उसको लेकर उन्होंने अपने अंदर फियर और डर क्रिएट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने डर क्रिएट किया. तो जब मुझे ये एक सुपीरियोरिटी फीलिंग आती है कि मैंने डर क्रिएट किया तो मैं लोगों को इस तरह से काम करवा सकती हूँ, बट एक्चुअली मैंने डर नहीं क्रिएट किया, अपने डर के वश उसने वो काम करना शुरू कर दिया. एंड आई फील आई चेंज्ड पीपल एंड दैट्स व्हाई दैट बिलीफ सिस्टम बिकेम सो स्ट्रॉन्ग कि अगर लोगों को चेंज करना है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है, तो इस तरह से पनिशमेंट से या थ्रेटन करके होता. कभी ना कभी मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा जो डर से काम नहीं करेगा. वही मैं कहना चाहती थी कि कोई तो ऐसा आ जाएगा जो नहीं करता है. कोई ना कोई आएगा जिसका सेल्फ इस्टीम इतना स्ट्रॉन्ग होगा अंदर और जिसको आप डरा नहीं सकते हैं, जो आप सोचते हैं कि आप डराते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको डरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं डरता है. लेकिन हम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील करना शुरू करते हैं कि इतने सब लोग तो डर के काम कर रहे थे, ये वाला व्यक्ति तो मेरे से डरता नहीं. और तब हम ये नहीं कहते कि डरता नहीं, तो इतने सारे लोगों को मेरी बात समझ में आती थी, मेरी बात मानते थे, अब ये बात नहीं मानते. एब्सोल्युटली. सी अगेन द फिंगर गोज आउटसाइड, अगेन आई एम गिविंग अवे माय कंट्रोल टू द अदर पर्सन. तो अगर सामने वाला डरता है वो उसकी अपनी क्रिएशन है. एंड सिमिलरली जब हम डरते हैं, एक है हम औरों को सो कॉल्ड हम डराते हैं और दूसरा है हम डरते हैं. जब हम डर के कोई कर्म करते हैं तब भी हमें याद रखना होगा कि उन्होंने हमें नहीं डराया, हम खुद डरे. हम खुद डरे. मैंने ये फियर अपने आप क्रिएट किया है और वो फियर क्रिएट करने के बाद उस डरवश मैं वो काम कर रही हूँ. एंड देन आई से आई हैव टू डू दिस, बट यू नो, एंड आई डू दैट वर्क, बट इट्स नॉट विद द फीलिंग ऑफ विलिंगनेस, यू नो. एंड तब हम कहते हैं मुझे इनके लिए ये काम करना पड़ता है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये काम करना पड़ता है, बच्चे सारा दिन कहते हैं मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से ये करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस. एक्चुअली कोई भी नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. मुझे क्या करना है इज एक्चुअली इन माई हैंड्स. वॉट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि उनके कहने के बाद हम उस बात को स्वीकारते हैं फियर के कारण या कोई भी कारण, लेकिन हम स्वीकार के फिर उस कर्म को करना शुरू करते हैं. तब हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उन्होंने कहा मुझे वो बात ठीक लगी तब मैंने किया, लेकिन हम वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर हटा देते हैं, कहते हैं उनके कहने की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है. तो करना पड़ रहा है, आई हैव टू डू दिस, दिस हैज़ टू गो आउट बिकॉज नोबडी कंट्रोल्स मी, नो वन कैन कंट्रोल मी. इवन सेइंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई हैव टू गो टू वर्क, यू डोंट हैव टू. You choose to. Nobody from office is coming to pick you up and take you from there. You choose to go to work because you earn. But by saying I have to, I start the day on a very negative note. क्योंकि फिर मैं अपने आप को एक विक्टिम बना देती हूँ. I have to do this. I have to do this. I have to do this. Wonderful. In this way, you know, actually, once you have this feeling, oh, so then again, half of the problem finishes off when you know that nobody is doing that to me. यू नो एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है. एब्सोल्युटली. एंड वो हमें अच्छा नहीं लगता. हाँ, ये सिचुएशन अच्छा नहीं लगता. आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस दैट यू नो दिस इज द फीलिंग आई इवन वी हैव सो मेनी टाइम्स दैट आई एम फीलिंग सफोकेटेड बट इट्स बिकॉज ऑफ देम बट नोबडी एल्स इज सफोकेटिंग मी. यस यस. सडनली मैं डरवश उस तरह से उनके सामने नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन वो मेरा डर है. इफ आई कैन ओवरकम दैट फियर, वो डर किसी भी कारण से हो सकता है, इफ आई कैन ओवरकम दैट फियर मैं अपनी बात को सामने रख सकती हूँ. वाओ, सिचुएशन एक्चुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो दोज पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ये पीपल हैव टू अंडरस्टैंड नोबडी कंट्रोल्स मी, नो वन कैन कंट्रोल मी, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल anyone else. Bottom line. So remove the word I have to, because have to बोलने से आधी energy सारी finish हो जाती है. Have to की जगह I choose to do this or I want to do this. मैं करना चाहती हूँ. Even जो क्योंकि हम बहुत बार संबंधों में बोल देते हैं आपकी वजह से मैंने ये किया, आपके लिए मैंने ये किया. नहीं, I want to do it for you. For you. It's trying to create a favor. I'm doing it for you. But actually it's not. Yes, I can say के I really like you and that's why I want to do this for you. You know, but I'm doing this for you. Don't do it. If
इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू नहीं करना नहीं करो बट डोंट यू नो मेक योर सेल्फ अ विक्टिम क्योंकि वो मैं बेचारा अच्छा हाँ वो जो है ना फीलिंग वो जो आगे चल के रिलेशनशिप में भी हम देखेंगे तो मैं चेंज हो जाता हूँ आई चेंज बिकॉज ऑफ यू तो आई डोंट चेंज बिकॉज ऑफ यू अगेन क्योंकि इससे क्या होता है हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत त्याग कर रही हूँ सारा दिन मैं औरों के लिए अपने आप को चेंज कर रही हूँ मैं दबती जा रही हूँ मैं सहन कर रही हूँ तो उससे जो हमारी विशेषता भी है टॉलरेंस पावर विशेषता है लेकिन वो बन जाती है एक नेगेटिविटी अंदर ही वजह से कर रही हूँ तो आई हैव टू रिमेंबर कि आई चूज टू डू वट एवर आई डू इट्स माई चॉइस एंड दैट्स वाई वी कीप सेइंग एवरी स्टेप योर चॉइस जस्ट रिमेंबर यू आर मेकिंग द चॉइस नोबडी इज गेटिंग इट डन फ्रॉम यू बट कंट्रोल मेरा किस पर एक्चुअली है वो है सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स पर और उसके लिए हम कहते हैं कि वो तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं बिल्कुल नहीं तो आप सोचो एक ऐसी जीवन जिसमें जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं उनको समझें कि कंट्रोल में है या होनी चाहिए करते रहे, हाँ, उसके और उसको करने रहे। की कोशिश करते रहे क्योंकि वो एक एफर्ट हो जाता है सारा दिन और जो कंट्रोल में होना चाहिए वो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा लगता है जा रहा है और उसको जाने देते हैं यही कह के मन तो घोड़ा है तो चंचल है यू नो ऑल द फ्रेजेस दैट वी हैव गिवन इट ये तो मेरे वश में नहीं आ सकता जबकि सिर्फ वही एक चीज़ है my thoughts my feelings my emotions because they are my creation baki everything else is separate to jo control mein hona chahiye ya jisko hum la sakte hain jo sambhav hai usi par effort de you'll get result like this lekin wo jo emotions jo man jo feelings hain wo itne flow mein hoti hain sachin shivani kai baar even if it's positive or negative it's in such a big flow ki we don't even feel ki we can control it no it's not that it's they're not in a big flow एट ए टाइम मेरा ध्यान एक ही चीज़ पर जा सकता है या मैं अपनी तरफ ध्यान दूँ या आपकी तरफ ध्यान दूँ राइट लेकिन मेरा ध्यान आज सारे टाइम इतने सब लोगों की तरफ है ए ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे तो अपने लिए तो फिर तुरंत कहेंगे टाइम नहीं है यू नो क्योंकि जब किसी से भी हम कहते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट इस सेल्फ मास्टरी को आप लर्न कर सकते हैं हम क्यों एक स्लेव की जीवन एक विक्टिम की जीवन जीना चाहते हैं नो आई डोंट हैव टाइम इट्स सो सैड व्हेन वी से दैट आई डोंट हैव टाइम इट्स लाइक सेइंग कि मैं अपनी पूरी जीवन अज्ञान की नींद में सो दूंगा लेकिन मैं अपने बारे में जानना ज़रूरी नहीं समझता क्यों क्योंकि मैं सारा दिन औरों की जीवन के लिए जिम्मेवार हूँ वॉट विल बी द रिजल्ट एंड दैट्स वाई पीस हैप्पीनेस जो हम इतनी ईजी हम कहते हैं हमारी नेचर है I can't experience क्योंकि मुझे उसके लिए अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने माइंड को देखने के लिए भी उसको देखना तो पड़ेगा ना आपको अपने अपॉइंटमेंट डायरी में रूटीन में 15 मिनट लिखने तो पड़ेंगे ना उसके लिए अगर आप कहें नहीं है वो 15 मिनट एंड फिर कहें कि वो मन अगर आप 10 लोगों को सारा दिन में मिलते हैं और कल से आपको एक 11वें व्यक्ति से मिलना होगा और अगर आप हर रोज़ उस 11वें व्यक्ति को कहें आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम एंड फिर आप कहें वो व्यक्ति तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जो करना है वो कहेगा मैं रोज़ खड़ा होता था आपके ऑफिस के बाहर आई मीट 10 पीपल दिस इज द फर्स्ट पर्सन आई नीड टू मीट बट आई से डोंट हैव टाइम आई डोंट हैव टाइम तो ये अपने आप कर रहा है एंड नाउ वी आर सेइंग दिस ये तो अपने आप ही चलता अभी भी कुछ नहीं है अभी भी इमिजिएटली अपने आप से एक अपॉइंटमेंट ले ले रोज सुबह की एंड सी कि जो चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए वो कितनी ब्यूटिफुली कंट्रोल में चलेगी लेकिन फोकस चेंज होना चाहिए दिस हैज़ टू बी इन कंट्रोल दीज आई कैन नॉट कंट्रोल क्योंकि दो चीज़ें नहीं कर सकेंगे क्योंकि एनर्जी तो उतनी है ना आत्मा में वो आत्मा अपनी सारी शक्ति यूज़ कर रही है औरों को कंट्रोल करने हो में जो हो नहीं सकता तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती जाती है और उसको फ्रस्ट्रेशन होती जाती है अंदर क्योंकि वो कर नहीं पा रही है वो चीज़ तो वो फ्रस्ट्रेशन के बाद उसके पास अपने लिए एनर्जी है ही नहीं तो सेल्फ कंट्रोल में ये बहुत इम्पोर्टेंट कि सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या अपने थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस एंड देन फाइनली माई डेस्टिनी दिस इज इन माई कंट्रोल सिस्टर शिवानी अभी आपने कहा कि कई बार जब बात कोई मानता है तो वो गुस्से में होते हैं हम तब मानता है फियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर मानता है लेकिन देखा गया है कि कई बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उसे सोच लेते हैं कि जब हमारे बड़े कह रहे हैं हम ना चाहते हुए भी उसको स्वीकार लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या वो भी उसी एस्पेक्ट में आ जाएगा कि हमने कंट्रोल किसी और को दिया हमारी अपब्रिंगिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है रिस्पेक्ट इज़ टू फियर ये बहुत डीप रूटेड है बचपन से
हमें अपने टीचर से डर लगता था, हमें अपने प्रिंसिपल से डर लगता था, कई बार घरों में हमें अपने पेरेंट्स से डर लगता है। और हमें सिखाया गया कि ये अच्छी बात है, क्योंकि डरना मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। अब थोड़ा सा इसको अंदर, अगेन नो राइट एंड रॉन्ग, बट अगेन आई हैव टू आस्क फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर डर क्रिएट हुआ, डर डज नॉट मीन कि मैं आपसे बहुत डरता हूँ, डर इज़ नॉट लाइक दैट। डर मतलब अनेक प्रकार का डर होता है, कि फियर कि कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए, फियर कि कहीं आपको मेरी, अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी, यू नो। तो आपका एक्सेप्टेंस, आपका अप्रूवल मेरे बारे में, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ इस्टीम आपके अप्रूवल पर डिपेंडेंट है। हम मेजोरिटी वी आर मूविंग विद दिस थिंग कि हमारी सेल्फ इस्टीम मीन्स व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो उसी पर डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी इंडिविजुअल तो मैंने कोई नई सोच बनाई, तो अगर और लोग बोलते हैं तो मैं अच्छी हूँ, अब अगर सब लोग बोलने लग गए कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, एंड आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है। तो दैट्स वाई आपका अप्रूवल, मतलब हर एक का अप्रूवल उस तरह से, एंड इसमें इम्पोर्टेंट के यू नो पेरेंट्स का अप्रूवल बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ इस्टीम वो फील करते, डेवलप होती। तो डर ये वजह से होता है कि आई शुड नॉट लूज़ यू, आई शुड नॉट लूज़ योर अप्रूवल। तो उस डर के वश मैं कर देती हूँ वो कर्म, विलिंगली नहीं करती। या तो जो बात आपने मुझे कही मैं उसको स्वीकार लूँ, मैं उसको समझ लूँ, उस बात को अपना बना लूँ, कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बात राइट है, एंड देन आई विल डू इट, यू नो, विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन इफ आई एम डूइंग, आई फील समथिंग एल्स, मुझे लगता नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकती, देन आई फील कि मैं आपके कहने की वजह से ये कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने कह दी अपनी बात, तो कहीं ऐसा ना हो आपको बुरा ना लग जाए। तो हमने देखा कि अगर मेरी सेल्फ इस्टीम हाई है, सेल्फ इस्टीम हाई इज़ नॉट ईगो, सेल्फ इस्टीम हाई मतलब कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ इज़ नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आई नो हु आई एम, एंड दिस इज़ नॉट ईगो, इट्स जस्ट दैट आई नो हु आई एम। अब मुझे अपनी बात कहने की पावर मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि हम मेजोरिटी टाइम अपनी बात सिर्फ अंदर के अंदर ही दबा देते हैं, क्योंकि और लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अंदर से स्वीकारा नहीं, बाहर से स्वीकार लिया, और अंदर से करना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वाली चीज़ उस तरह से होती तो ज़्यादा बेटर होती। दिस एनर्जी काम तो हो जाएगा, जैसे आपने कहा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप्स इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी जो मैंने क्रिएट की आपके कॉन्टैक्ट में आने से वॉज फियर, एंड जब मैंने फियर आपके लिए क्रिएट किया, विच आई फील इज़ फॉर यू, दैट्स नॉट रिस्पेक्ट। फियर और रिस्पेक्ट इकट्ठे नहीं हो सकता, लव एंड फियर इकट्ठे नहीं हो सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम हर टाइम ये फील करते हैं कि यू नो कि ये सारी चीज़ें इकट्ठे चलती हैं, जबकि ये पोल्स अपार्ट है, एकदम पोल्स अपार्ट है। तो रिस्पेक्ट मीन्स कि मैं जो हूँ, पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं जो हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और आप जो हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, एंड मैं जो हूँ वो मैं अपने आपके सामने अपने आप को रखने के लिए तैयार हूँ, देन इट्स रिस्पेक्ट, द रियल मी, जो मुझे अच्छा लगता है। तो रिस्पेक्ट में डर नहीं आएगा, ऑलवेज चेक, अगर इफ आई एम एवर यूजिंग दिस वर्ड, आई डोंट थिंक हम कभी भी अपना डर लगता है, अपना रियल सेंस, अपना रियल सेल्फ हम कभी भी प्रोजेक्ट करते होंगे, तो क्योंकि हमने उसको छुपा के रखा हुआ है। तो कभी भी हम अगर कहें कि रिस्पेक्ट, तो उसके साथ डर वर्ड नहीं आ सकता। रिस्पेक्ट मतलब मैं जो हूँ जैसी हूँ, आई एम रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे कोई प्रिटेंशन, अच्छा बनने की प्रिटेंशन नहीं रखनी है आपके सामने, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट यू मतलब जो हम परमात्मा के साथ करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो परमात्मा और आत्मा के साथ इसलिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि परमात्मा आत्मा को वो जो है जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद भले हमें परिवर्तन करने की यात्रा बताते हैं, लेकिन ही जस्ट एक्सेप्ट्स अस विद ऑल आर डर्ट, एंड देन इन फ्रंट ऑफ हिम आई एम रेडी टू से एनीथिंग। जो मैं किसी के सामने बात नहीं कहूँगी अपने बारे में, वो मैं उसके सामने कहने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। आई डू नॉट हैव टू बी प्रिटेंड to be good in front of God, I can just be myself. This I cannot be in front of anybody.
that's because I'm carrying a low self-esteem. I'm always being nice, very nice outside. I'm not feeling that nice inside. Like in what I'm feeling, I can tell God. Paramatma ke saath baithu meditation mein, I can just tell him everything. Kyunki mujhe pata hai, he still loves me. Jis atma se mujhe wo feeling aa jayegi. Kyunki parent aur child bhi agar aap dekho, jaise hi child ne kuch aisa kiya jo parent ko achha nahi lagta, to wo kuch aisa keh dete hain. Even if it is in good interest, to bacche ko lagta hai, ye agar main karunga, to mera jo parents se mujhe pyar milna chahiye tha, वो खत्म हो जाएगा. तो उस डर के कारण कि कहीं वो प्यार खो ना जाए, मैं अपनी बात को अंदर ही रख देती हूँ. बहुत सुंदर आपने बात की. लेकिन क्या आज हम गॉड के सामने भी अपने सही जो हम हैं, व्हेन यू रियली कनेक्ट टू हिम, नॉट विद द कॉन्सेप्ट, जब आपको वो अनकंडीशनल लव अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी हर बात रख सकते हो. और जैसे क्योंकि हर बात रखना, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है. हम छुपा देते हैं अंदर, मेरे क्लोजेट में बहुत सारी बातें हैं, चेंज ही नहीं होती है, चेक ही नहीं होती है, क्योंकि वो दबाती जाती हूँ दबाती जाती हूँ, किसी के सामने भी नहीं रख सकती. जैसे ही उसके सामने खोलती हूँ अपना, तो वो खुलते ही आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है. लाइक एन ओपन अप इन फ्रंट ऑफ हिम. इफ़ आई फाइंड एनी सोल, ऐसी आत्मा कोई भी, चाहे वो कोई भी रोल में हो, टीचर है, बॉस है, कोई भी है, जिसके सामने मैं जो हूँ वैसा बन रह सकती हूँ, आई डोंट हैव टू बी प्रिटेंड टू बी गुड, देन आई रिस्पेक्ट दैट सोल. दैट्स रिस्पेक्ट फॉर मी. आई फील I can just be myself. You know, हम कई लोगों को बोलते हैं, I can just be myself in front of you. If really we mean it, then that's respect. So we need to know these simple things about ourselves and our relationships. क्योंकि हमारे relationships अपने साथ, परमात्मा के साथ, औरों के साथ, प्रकृति के साथ, सारा दिन खेल जो है वो सारा relationships का. And relationships अर्थात energy, giving and receiving. It's a constant energy exchange. अब ये energy exchange अगर positive होगा, pure होगा, तब मुझे कैसा feel होगा? बहुत harmonious. लेकिन अगर मैंने हमेशा समझा कि मुझे लेना ही है और जो मुझे देना है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसमें जो bitterness आ गई, तो उस कारण से जो energy exchange हुआ वो बहुत tight होता जा रहा है, बहुत negativity आती जा रही है. हमारे पास जो सबसे बड़ा resource है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों को ये सब देना चाहते हैं. सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है? स्पिरिचुअल पावर. वो मैं कभी नहीं देती, मैं खुद अपना ही नहीं पता वो. जो मेरा सबसे बड़ी एसेट है, हम अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टी और ये सब बात, सबसे बड़ी एनर्जी जो मेरे पास है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, विच इज़ पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ हैप्पीनेस. एंड ये मेरे पर्पज़ ऑफ लाइफ यही होगा कि जो ये मेरी पावर है, मैं कितना इसको औरों के साथ शेयर कर सकती हूँ. क्योंकि जितना इसको औरों के साथ शेयर करते जाएंगे, उतना हमारे रिलेशनशिप्स ब्यूटिफुल बनते जाएंगे. लेकिन इसको भूल कर हम बाकी सब बातें में, लेन देन में जब लग जाते हैं, तो हम अपने ओरिजिनल से बहुत दूर हट जाते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि रिलेशनशिप्स इज़ ऑल अबाउट energy exchange. And that's why as we saw, हम सोचते कुछ हो रहे हैं और बोलते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी thoughts नहीं दिखाई देती. तो ये कुछ एक बातों पर हमें अगर ध्यान रख के चलें अपने बारे में. वन, my identity, कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ. टू, my nature, beautiful, peaceful, loveful and very pure. थर्ड, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट माई डेस्टिनी बेस्ड ऑन माई परसेप्शन. एंड देन माई बिलीव्स, कि कितने सारे फेटल बिलीव्स जो हमने क्रिएट कर दिए, उसकी वजह से हमारे कितनी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं जीवन में. कंट्रोल, हम औरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई और हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, हमें सिर्फ अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल होता. पैराडॉक्सिकल चीज़ें जो हम कर रहे हैं, कि देना है लेना नहीं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप्स. इट इज़ एनर्जी एक्सचेंज, एंड फोकस ऑन दैट एनर्जी एक्सचेंज एंड टेक केयर कि आपके पास जो इतनी ब्यूटीफुल पावर है, इसका एक्सचेंज, इसकी शेयरिंग सबके साथ करते जाए, तो रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक
हारमोनी में चलेंगे. बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही इस शिवानी की. जब स्ट्रेस को मैनेज करने की बात हमने पहले कही थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था कि जिस गाड़ी को हम लेकर जा रहे हैं उसके बारे में पता हो, और कहीं ना कहीं वही नहीं जान रहे थे कि कितने वो आस्पेक्ट्स हैं. 7 आस्पेक्ट्स अपने हैं. अगर अपने बारे में हम सही परिप्रेक्ष्य में, सही एवरी टाइम इट कम्स डाउन टू द राइट पर्सपेक्टिव. ये 7 बातें जो हमने देखी, इसमें से अगर एक को भी समझ लिया तो स्ट्रेस इज ओवर. बिल्कुल. और अगेन यू नो, ये क्योंकि जब हम इसी पर काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी सारा जो स्ट्रेस क्रिएट करता है वो आई थिंक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा. वो अपने आप होता है, लेकिन कोई और क्रिएट नहीं करता ना. वो भी हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स, वंडरफुल. तो सिस्टर शिवानी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ये सारे आस्पेक्ट अगर हम अपनी जिंदगी के देख लेंगे तो फिर शायद मुश्किल ना रहे. शायद नहीं, अब शायद का शब्द नहीं रह जाता. डेफिनेटली देर विल बी अ चेंज. अगर अभी भी आपके पास कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555. ये बातें तो वो रही जब हमने स्ट्रेस को दूर करने का एक पहला कदम उठाया था कि क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे अपने बारे में जानने चाहिए. अब आगे बात ये आती है कि खुद को पहचान लिया, ये सारी बातें पता चल गई, अब हमें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं जिससे स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा. आने वाली कड़ी में स्ट्रेस से दूर होने का सही एस्पेक्ट समझेंगे. दीजिए इजाज़त. ओम शांति. ओम शांति. ओम.